महानगर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए एसपी सिटी सोनम कुमार ने मीडिया कर्मियों के साथ एक गोष्ठी की। इस दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार ने मीडिया कर्मियों से उनकी राय जानी तथा मीडिया कर्मियों ने बताया कि सड़कों पर कट को बंद करने से नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा लोगों को 2 किलोमीटर तक घूमना पड़ रहा है तथा लोग गलत साइड से आ रहे हैं जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं मीडिया कर्मियों ने बताया कि चौराहे पर ऑटो गलत तरीके से खड़ा होता है जिससे चौराहे पर जाम लगता है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है तथा सड़क के किनारे लोग गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं जिससे लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि महानगर को जाम से निजात दिलाने के लिए मीडिया कर्मियों के साथ गोष्ठी की गई है तथा मीडिया कर्मियों से फीडबैक लिया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों का फीडबैक अच्छा रहता है क्योंकि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं लेकिन मीडिया कर्मी इसी शहर में रहता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को सुधारने के लिए महानगर के विभिन्न चौराहों पर कैमरे को लगाया गया है तथा आईटीएमएस कार्यालय से वाहनों का चालान भी किया जा रहा है तथा डीआईजी के निर्देशानुसार बुधवार से डीडीएमएस ऐप से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगेगी जिससे पुलिस कर्मियों को अपने ड्यूटी का पता रहेगा तथा समय से वो अपनी ड्यूटी पर जाएंगे और कार्य करेंगे। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, ट्रैफिक सीओ जेपी सिंह सहित मीडिया कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, यहाँ की ट्रैफिक थोड़ी सी जटिल टाइप की लग रही है हम लोगों को, कई सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट के लगातार प्रयास जारी है कि हम लोग गोरखपुर को एक ट्रैफिक मुक्त यातायात व्यवस्था दे सकते हैं और इसमें कप्तान साहब, एडी साहब, महेश साहब, एसपीसीटी साहब, मैं भी, हम लोग सभी लोग और मेरी पूरी ट्रैफिक की फोर्स, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने कई लोगों से बात भी की, जनता के लोगों से बात की, व्यापारियों से बात की और जो लोग हम लोग आपस में मिलने आते हैं उनसे भी हम लोगों ने मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जितना पुलिस घूमती है उतना आप लोग भी घूमते हो, जिस गले में हम होते हैं उस गले में आप भी होते हो। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ की गलियों के, यहाँ के रास्तों के पुलिस से कम अनुभव नहीं होगा। तो आप लोग, अगर आप लोगों की राय भी काफी अहम होगी हमें यातायात व्यवस्था को सुधारने में, इसीलिए मैं गोष्ठी कप्तान साहब की अध्यक्षता में आयोजित की थी। लेकिन मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव संबंधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपने राय, क्योंकि आप लोग यहाँ वर्षों से हैं, आपने इस व्यवस्था को देखा है, दो चार हुए हैं समस्याओं से, आपको आइडिया भी होगा कि हम इसको कैसे इसका निदान कर सकते हैं, निदान करने लायक है भी या नहीं है, जो हम लोग कर रहे हैं इसमें में क्या वो सही है, उसमें क्या त्रुटियां हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग ऑनेस्टली अपना ओपिनियन हमको बता दीजिए, जो भी आपकी राय हो, सहयोग लेने के लिए गोष्ठी कराई है। थैंक यू मैडम। तो कट काला बंद कर दिया गया, जाम काला उससे और बढ़ गया है, कटों की बंद होने से कौन से कट पे जाम बढ़ गया? जैसे मोहरदीपुर में कई कट थे कर दिया, जाना थी कला तो पे बंद हो गया, तो कचहरी चौराहे पे लोड बढ़ गया है। दूसरी ये है कि जो सड़क डीडीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया गया है, इसमें जैसे कि जो जिस बंदे की ड्यूटी लगती है वो अपनी ड्यूटी का नगर क्षेत्र में जो ट्रैफिक की समस्या आ रही है इसको लेकर के कप्तान साहब द्वारा निर्देशित किया गया था, एसपी ट्रैफिक, मैं सीओ ट्रैफिक मिलके आप सबसे बात कर लें, पत्रकार बंधुओं से वही गोष्ठी की गई, उनसे बात की गई, जो फीडबैक उनका रहा है क्योंकि उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, ये आप सबका ही शहर है और हम लोग तो यहाँ पे आए हैं बस कुछ समय के लिए, तो आप लोगों का जो फीडबैक रहेगा वो हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने तरफ से हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, जीपीएस डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, रेडार बेस्ड सिस्टम लगाया जा रहा है, आईटीएमएस के जो कैमरे हैं वो लगाए जा रहे हैं, ऑटोमेटिक चलान होंगे और कटों को बंद किया जा रहा है, खोला जा रहा है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, वन वे किया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोगों का फीडबैक है, वही फीडबैक हमने लिया है। इसके अतिरिक्त डीआईजी महोदय के आदेशानुसार कल से जो है ट्रैफिक में डीडीएमएस ऐप डेली लगेगा। अभी तक जो डीडीएमएस ऐप था हमारा, डायनेमिक ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका हमने डीजीपी महोदय को भी प्रेजेंटेशन दिया था,
और काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग भी लगा है ये आइडिया कि इससे ड्यूटियाँ समय पर पहुँचती हैं। तो ये हम सिर्फ VIP विजिट में यूज़ कर रहे थे और कभी कभार ट्रैफिक में या फिर बाकी चीज़ों में भी यूज़ करते थे, परंतु DIG महोदय का आदेश ये हो गया है कि लगातार ट्रैफिक की ड्यूटियों को इससे ट्रैक किया जाए, क्योंकि देखिए सड़कों की समस्या रहेगी, रोड फर्नीचर नहीं है, कैरेज वे की प्रॉब्लम है, कई तरह की चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे विकास होगा, परंतु जितना हमारे हाथ में है कि ट्रैफिक की ड्यूटी समय से पहुंचे, सिविल पुलिस उनके साथ लगाई जाती है, सोमवारी जाम के लिए भी लगाई गई थी पिछले हफ्ते, उन सब वो सब समय से पहुंचे और अपना कार्य करें, उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग DDMS का प्रयोग कल से ट्रैफिक में भी करेंगे।